हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बेबी झूला और बेबी को झूले में झुलाने का फायदा और नुकसान, और बेबी झूला क्यों झुलाया जाता है। दोस्तों, जैसे कि यह एक परंपरा है कि बेबी को 0 से लेकर 3 या फिर 6 मंथ तक बेबी को झुलाया जाता है झूले में, क्योंकि यह शुभ माना गया है। और दोस्तों, भारत में यह बेड पे भी अधिकांश लोग सुलाते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर आप अपने बच्चे को झूला में झुलाते हैं तो बेबी इससे यह महसूस करता है कि वह गर्भ में पल रहे पेट में है, जो कि गर्भ में जब अमनियोटिक फ्लूइड में बच्चा पलता है तो इधर उधर हिलता है, तो उसे लगता है कि हम पेट में ही अभी हैं, और वह बहुत ज़्यादा आरामदायक फील करता है। और आपका जो झूला है उसके जो गद्दे हैं, गद्दीदार होने चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, कॉटन का बना होना चाहिए, ताकि आपका बच्चा बहुत ही आराम से सो सके। और जब भी आप अपने बच्चे को सुलाते हैं तो ध्यान रखें उसका सर जो है थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, और बीचों बीच सेंटर में लेटा रहे बच्चा। अगर बच्चा करवट लेता है तो एक साइड में। और आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, बच्चे का जो पहिया है वो लॉक होना चाहिए। और दोस्तों, अगर आपके झोले में मच्छरदानी लगी हो तो मच्छरदानी को गिरा दो, ताकि उसमें मच्छर या फिर कोई कीड़े उड़े ना जा सके। और दोस्तों, जब भी आप बेबी झूला लो तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, जो भी आप झूला लेते हैं झूला हवादार होना चाहिए। और ध्यान रखिए, जो इसकी डोरी है, इसकी जो मच्छरदानी है, इसका लेंथ बहुत ही बड़ा है, तो हम इसको छोटा कर देंगे। छोटा क्यों कर देंगे? ताकि अगर हमारे घर में चूहिया या फिर छिपकली नीचे दौड़ती हैं तो झूले के अंदर ना जा सकें, इसकी वजह से इसकी मच्छरदानी ऊपर कर देंगे। और दोस्तों, ये झूला काफ़ी खूबसूरत है और बहुत ही ज़्यादा इसकी जो गद्दी है कंफर्टेबल है। दोस्तों, अगर आपको ये झूला लेना होगा तो हम वीडियो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और यहाँ पे देखिए, हमारा बेबी करवट लेकर के साइड में आ गया है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है, अगर वो साइड में आ जाता है तो कहीं इसका नाक दब ना जाए, इस चीज़ को हमें जरूर ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि अभी आपका बच्चा छोटा है। मेरा बच्चा अभी 1.5 मंथ का कंप्लीट हुआ है, और वह 0 से 6 मंथ तक इस झूले में सो सकता है। और अगर आप अपने बेबी को ऐसे सुला रहे हो तो नेस्ट बनाकर सुलाइए, ताकि वह फील करे कि मम्मा हमारे पास हैं। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।